हेलो दोस्तों, मैं हूं कृति और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जय माता दी। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज हम मतलब कलश स्थापना विधि बताएंगे, जो सरल तरीके से हम घर पे नॉर्मल करते हैं। मतलब हर नवरात्रि में खुद से ही कलश स्थापना कैसे करें, साथ में पूजा पाठ कैसे करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम मंदिर के मतलब क्लीन कर लिए थे रात में ही, और सुबह के ये टाइम हम शूट कर रहे हैं। सुबह हम नहा धो लिए हैं, 6 बज रहे हैं, और यहाँ माला हम पहले रात में ही धो के रखे थे, मतलब सब साफ़ कर लिए थे और साथ में माला धो के रखे थे। तो माला पहना देते हैं, सारे माले इकट्ठे ही हम धो लिए थे और सारे लोगों को पहना देते हैं। और रात में ही हम मंदिर पूरा अच्छे से क्लीन किए थे ताकि सुबह उठ के हम पूरा फ्रेश हो और साथ में हम पूजा भी कर ले। तो यहाँ जोत जला दिए हैं, भोग लगा दिए हैं, और चलिए यहाँ सारे देखिए, सारे लोगों को हम माला पहना दिए। यहाँ हम साड़ी पहने हैं तो यह हम दिखा देते हैं। और देखिए सो के उठ के बस हमें मतलब नहाना था तो यहाँ हम नहा लिए थे, तो जैसे लग रहा है कि सो के उठे ही हैं। तो अब चलिए चलते हैं कलश स्थापना करने। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले यहाँ हम जोत जला लेंगे। पहले मतलब पूजा करने से पहले, कोई भी पूजा करने से पहले जोत जला लेना चाहिए। तो यहाँ हम ले लिए हैं चावल, जिसको अच्छत बोलते हैं। तो यहाँ कलश रखने के लिए हम चावल ले लिए हैं, तो थोड़ा सा हम चावल रख लेंगे नीचे, जहाँ भी आपको कलश रखना है तो वहाँ पे ले लीजिए। और यहाँ देखिए, यहाँ हम एक ले लिए हैं पीतल का लोटा। तो यहाँ मिट्टी का भी आप लोटा मतलब जो मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं कलश, और साथ में पीतल का भी, स्टील का भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास है। इसमें हम डाल देंगे जल, मतलब नॉर्मल पानी, और साथ में एक गिलास हम डाल देते हैं गंगा जल। तो दोनों मिक्स करके डालना है। एक हम सिक्का डाल देते हैं, अगर आपके पास सुपारी है तो वो भी डाल दीजिएगा, मेरे पास नहीं था। और यहाँ ले लिए आम का पत्ता, मतलब आम का पलो जिसको बोलते हैं, वो डाल देंगे। और साथ में कलश पे हम कलावा भी बांध देंगे। यहाँ देखिए अभी बांधे नहीं है, तो आप पहले भी बांध सकते हैं। और यहाँ हम सिंदूर लगा देते हैं, कलश पे हम 5 बार सिंदूर लगा देंगे और साथ में इसमें कलावा भी बांध देंगे। अब बारी आती है नारियल की, तो यहाँ हम नारियल ले लिए। नारियल को भी रखने से पहले, सबसे पहले कलश पे रखने से पहले हम इस पे सिंदूर का टीका लगाएंगे। तो 5 बार हम टीका लगा लेते हैं, और नारियल पे आप चाहें तो चुन्नी लपेट लीजिए या फिर इसमें कलावा बांध दीजिए। तो कलश में भी हम कलावा बांध लेते हैं और साथ में नारियल भी रख लेते हैं ऊपर, और ऐसे आप कलश स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हम ले लिए गड़वी, जिसमें हम जौ जमाएंगे। तो यहाँ इसको हम धो लिए थे, जौ को भी हम अच्छे से धो लेंगे। तो धोते टाइम जो जौ ऊपर आएगा उसको आप फेंक दीजिएगा, जो जौ नीचे रहेगा उसको आप मतलब जो नीचे रहेगा जौ उसको हम पूजा में मतलब यूज़ करेंगे, ताकि मतलब वो जमेगा अच्छे से। जो जिसमें मतलब नहीं फल होगा वो ऊपर आ जाता है पानी के। उसके बाद गड़वी पे हम 5 बार यहाँ सिंदूर का टीका लगा लेते हैं, सिंदूर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ मिट्टी लिए हैं, तो मिट्टी हम ये देखिए लोटा में ही मिट्टी लेके आए हैं, क्योंकि छत पे गए थे जल चढ़ाने, तो वहाँ हम लोटे में ही मिट्टी लेके आ गए थे। साथ में विष्णु भगवान को हम जल देने गए थे, तो वहाँ से हम मिट्टी लेके आ गए हैं। तो यहाँ अच्छे साफ़ मिट्टी जहाँ आपके पास हो वहाँ से मिट्टी ले लीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ जौ हम धो के रखे थे उसको अच्छे से मिट्टी में मिला लेंगे, ताकि हमारा जौ एकदम हरा भरा बढ़िया से निकले। और भिगो दीजिएगा इसको पहले से, मतलब धो के रख लीजिएगा जौ को, तभी आप इसको डालिएगा। उसके बाद ऊपर से हम थोड़ा सा गंगाजल छिड़क देंगे गड़वी के ऊपर। उसके बाद यहाँ हम जोत दिखा लेते हैं। माला यहाँ लेके आए थे माली, तो यहाँ हम माला पहना देते हैं। और ये देखिए हमारा कलश स्थापना हो गया। बहुत ही सरल विधि है, बहुत ही मतलब एकदम शांत मन से अच्छे तरीके से आप इसे कर दीजिए। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए छोटी सी हमारी माता रानी है, ये देखिए पीतल की दिख रही होंगी। और यहाँ इस फूल चढ़ा देते हैं, यहाँ कृष्ण जी को भी हम फूल चढ़ा देते हैं। और फाइनली ये देखिए हम पूजा कर लिए हैं, कलश स्थापना हमारा हो गया है। उसके बाद यहाँ हम किताब ले लेते हैं, दुर्गा सप्तमी का पाठ, इस पर भी हम थोड़ा सा फूल चढ़ा देते हैं, सिंदूर का टीका लगा देते हैं, यहाँ हम पाठ कर लेते हैं। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ऐसे ही नवरात्रि के पहले दिन आप पाठ कर लीजिएगा दुर्गा सप्तमी का पाठ। और यहाँ पाठ करने के बाद हम आरती करेंगे, तो आरती मतलब फिर पापा पाठ करते हैं उसके बाद आरती होती है, तो वो वाला हम क्लिक नहीं कर पाए थे क्योंकि पापा पाठ किए उसके बाद आरती होती है सबके साथ में। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ हम पाठ किए थे और ये काफ़ी मतलब आधे घंटे लग गए थे हमारे पाठ करने में, और यहाँ थोड़ा सा हम शूट किए थे। उसके बाद बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।